हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल कुमार विलार अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक क्लियरली बताएंगे कि जो आपकी जो गाड़ी है, जैसे कि आप कार लेना चाहते हैं तो आपको डीजल इंजन लेना चाहिए या पेट्रोल इंजन। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करते समय जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि क्लियरली बता देते हैं हम आपको कि आपकी जो गाड़ी लेना चाहते हैं आप, तो आपको कौन सी जो गाड़ी है लेनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो का लास्ट तक आप जरूर बने रहें, तो हम आपको बताएंगे कि कौन सी जो गाड़ी है आपको लेनी चाहिए, डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पहली हम बात कर ले दोनों की, जो जैसे कि जो गाड़ी है, जैसे कि एग्जांपल में हम ले लेते हैं टाटा जेस्ट की गाड़ी, जो कि पहले दोनों के हम प्राइस की बात कर लेते हैं, डीजल इंजन की प्राइस और जो कि पेट्रोल इंजन की प्राइस। तो टाटा की जो पेट्रोल इंजन की जो प्राइस है वो 8,34,000 रुपये जो है ऑन रोड प्राइस है, और उसी में डीजल की बात कर लेते हैं जो डीजल की दाम है 9,59,000 रुपये, यानी कि मतलब कि 1,00,000 रुपये जो है वो अंतर इसमें है। तो पहले बात की यहाँ पे हो जाता है कि जो आपकी जो डीजल गाड़ी है कुछ आपको महंगी मिलेगी, एक लाख के करीब में जो है कि आपको महंगी मिलेगी, और जो पेट्रोल इंजन है वो आपको सस्ती मिलेगी। तो पहले हम आपको ये बता दें कि दोनों की जो मतलब कि सर्विसिंग खर्च है, मतलब कि जहाँ तक कि सर्विसिंग खर्च है, जैसे कि पेट्रोल इंजन की जहाँ सर्विस हो रही है वहाँ पे अगर उतना ही में डीजल इंजन की सर्विस होगी तो पेट्रोल इंजन से ज़्यादा खर्च जो है वो डीजल इंजन में पड़ेंगे। तो इसमें कोई अच्छी की बात नहीं है, इसमें निश्चित है पड़ेंगे ही, क्योंकि डीजल इंजन में जो खर्च है वो ज़्यादा ही होते हैं, सर्विस चार्ज भी बहुत ज़्यादा उसमें लगता है डीजल इंजन में, जो कि पेट्रोल इंजन में बहुत कम लगता है। तो जैसे कि बात कर ले कि अगर आपको पर डे डेली बाई डेली अगर आपको तो यानी कि 60-70 किलोमीटर आपको चलना है तो आपके लिए जो पेट्रोल इंजन गाड़ी है वो बेटर है, और जो मतलब कि वही 80-90-100 किलोमीटर के करीब में अगर आपको जाना है तो आपको क्लियरली मतलब कि अच्छा रहेगा डीजल इंजन। तो अगर दोनों की हम माइलेज की बात कर ले तो माइलेज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, यानी कि पेट्रोल की इंजन की बात कर ले माइलेज की, तो इसकी जो पेट्रोल इंजन की जो माइलेज है 18 है, तो यानी कि 18 इसकी माइलेज है वो निकाल लेती है, और यही बात कर ले जो डीजल की वो है 23 यानी कि 23। तो दोनों की माइलेज में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है आपको। और तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपके लिए जो डीजल इंजन जो बेटर रहेगा या पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन में यही है कि कुछ खर्च ज़्यादा है, पेट्रोल इंजन में कुछ कम है, यानी कि परचेज करते भी टाइम आपको जो 1,00,000 की जो बचत होगी वो होगी, उसके बाद जो सर्विस में होगी बचत वो होगी। तो आप मतलब कि मेरे हिसाब से जो गाड़ी है वो पेट्रोल इंजन ही बहुत बेटर गाड़ी है, सो कि पेट्रोल इंजन बहुत ही सक्सेस भी गाड़ी है, जो इसकी इंजन की जो पावरफुल ताकत होती है अभी बहुत अच्छी होती है, इसमें जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तगड़ा स्पीड इसमें मिलता है। तो मेरे लिए हम आपको बता दें कि सबसे बेटर गाड़ी जो है अभी वो इसकी पेट्रोल इंजन है, तो आप पेट्रोल इंजन ज़रूर चूज करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो चलते चलते हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, और फोर व्हीलर से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी देने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।